क्या ड्रोन इस तरह की चीजें फ्लाई कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम फ्लाई करने वाले हैं कुछ मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें और देखते हैं ये इजीली फ्लाई हो सकती हैं या नहीं। हे वॉरियर्स, आज मैं करने वाला हूं अपने ड्रोना का फिजिकल टेस्ट। वैसे इस वीडियो में हम किसी ड्रोन का प्रमोशन नहीं कर रहे, बस हम अपने ड्रोन को टेस्ट करने आए हैं कि इसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, कि ये कितना वेट झेल सकता है। फिर इस टेस्ट को सही तरीके से करने के लिए मैंने इसके सेंटर एरिया में एक धागा बांध दिया। और हाँ, इस तरह के रिस्की टेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट या अपने से बड़ों की परमिशन जरूर लें। तो अपने ड्रोन पर हम जो पहला टेस्ट करने वाले हैं वो है एक वाटर बॉटल का। इस बॉटल में 250 ml पानी होता है, इसमें हमने आधा पानी रखा हुआ है। फुल बॉटल शायद ये बियर ना कर पाए, इसीलिए हम इसको आधा बॉटल उड़ा के देखेंगे। अब ड्रोन और वाटर बॉटल का इलीगल गठबंधन करने के बाद मैं चल पड़ता हूँ इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग करने। बॉटल रेडी है, बांध करके तैयार है, बस अब इसको हम फ्लाई करने वाले हैं और दिखाएंगे आपको कि कितनी हाइट पे जाता है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी कि ये उड़ा पाएगा कि नहीं, बट सेफली इसने उड़ा लिया। अब इसे सेफली लैंड भी करना है, क्योंकि ये जितना हमें टेस्ट करना था बेस्ट है उसके लिए, टेस्ट हो चुका है। हमारी सेकंड चीज है सिक्के, और इसे हम अपनी पोटली में बांध के उड़ाने वाले हैं। ये क्या बात करता है यार। देखते हैं कितने सिक्कों को अपने हिसाब से बियर कर सकता है और हवा में उड़ा सकता है। इसमें लगभग 50 से 60 कॉइन्स हैं। अब देखते हैं कि हमारा ड्रोन इसको उड़ा सकता है कि नहीं। अब बारी है सिक्के से भरी पोटली को बांधने की, जिसकी मजबूत नॉट लगाने के बाद मैं रेडी हो गया अपने ड्रोन का सेकंड फ्लाइंग टेस्ट करने के लिए। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट भी रेडी है जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं अपने ड्रोन पे। इसका वेट है समथिंग 220 ग्राम और अब देखते हैं ये फ्लाई कर पाता है कि नहीं इजीली। देन फाइनली मेरी जान में जान आई जब ड्रोन ने अपने वेट से ज्यादा सिक्कों को आराम से फ्लाई कर लिया और सेफली लैंडिंग भी। अब जो हमारा थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा आईफोन। इसका वेट है 134 ग्राम और हमें लगता है कि ड्रोन आराम से उड़ा लेगा, बाकी देखते हैं। हम ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं, अब हम अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लेंगे जिससे कि हमें एक एक्स्ट्रा फुटेज मिलेगी मोबाइल से भी। आईफोन हवा में स्टेबल ना होने की वजह से अपना वेट आगे पीछे शिफ्ट कर रहा था, जो ड्रोन फ्लाइंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा था। जब हम लोगों ने आईफोन को फ्लाई किया तो हमें लग रहा था कि आराम से इजीली उड़ जाएगा, बट जब ये ऊपर गया थोड़ा हाइट पर तो इसका थोड़ा सा बैलेंस डिसबैलेंस होने लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वेट आगे पीछे शिफ्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा आगे पीछे होने लगा।